कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके बेबीज भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है कि आपको प्रेगनेंसी में जब आप सुबह उठते हो अर्ली मॉर्निंग, आप लोगों को क्या खाना चाहिए या सुबह उठते ही आपको दिन की शुरुआत किस खाने से करनी चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्टली लोगों का जो डिनर होता है वो 8, 9, 10, 11 PM तक मोस्टली हो जाता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो रात में सोने के बाद में कुछ लोग खाते हैं। जी हाँ, उनमें से मैं भी थी। कभी कभी मुझे भूख लगती थी तो मैं भी खा लेती थी, बट मोस्टली हमारा जो डिनर है उसके बाद में हम कुछ नहीं खाते हैं। दूध के अलावा हम कुछ नहीं लेते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि हमें बहुत टाइम गैप हो जाता है लेट नाइट डिनर के बाद में। मॉर्निंग में जब अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं तो हमारा बहुत जी मितलाता है, बहुत कमजोरी फील होती है, बहुत वीकनेस लगती है। सुबह सुबह उठकर ही हमें ऐसा लगता है कि हमें हैवी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही आपको हैवी ब्रेकफास्ट कभी नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही जो आपको फर्स्ट मॉर्निंग में जब इनटेक करने की बारी आती है तो आपको हमेशा हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होगा आपकी पानी की कमी पूरी होगी। सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए जिससे आपकी पानी की कमी पूरी हो जाए और आपका जो उल्टी आने का मन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आप लोग मॉर्निंग में ही हैवी ब्रेकफास्ट कर लोगे, जिससे क्या होगा आप हैवी ब्रेकफास्ट करोगे तो जो आपका उल्टी का मन होता है वो सारा खाना आपका उल्टी में निकल जाता है, जिससे क्या होगा आपका पूरा दिन दिमाग ख़राब रहता है, मन नहीं लगता है इस तरीके से। तो आप अब अर्ली मॉर्निंग में कभी भी ऐसा मत करिएगा। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आप एक ग्लास गुनगुना पानी लीजिएगा, उसके साथ में आप कुछ नहीं लेना है। नॉर्मली 5 to 10 minutes आप वॉक करिए, उसके बाद में ही कुछ आप खाने के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं बहुत ही अल्टरनेट ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगी जो कि बहुत इजी होते हैं और आप लोग इनटेक कर सकते हो। तो पानी पीने के बाद 5 to 10 minutes के बाद आप लोगों को जो रात को भीगे हुए बादाम होते हैं वो खाने चाहिए। आपको 5 to 6 बादाम आप खा सकते हो, बट रात को भीगे हुए होने चाहिए। सूखे बादाम आप लोग नहीं खा सकते हो क्योंकि वो थोड़े से गर्म होते हैं। रात को भिगो दीजिए। आप लोग सुबह उठ के पानी पीने के 5 to 10 minutes बाद में 5 to 6 आलमंड्स ले लीजिए, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको फटाफट से क्विक एनर्जी मिलती है, जिससे आप थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, टाइम गैप के बाद में आपको अपना खाना जो है वो लेते रहना चाहिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही खाइए। उसके बाद में अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है पानी पीने के बाद आप लोग बादाम लीजिए। बादाम लेने के बाद जो मैं बता रही हूँ वो आप अल्टरनेट डेज पर कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आप लोग चने रात में भिगो सकते हैं, अंकुरित जो होते हैं। अंकुरित होने के बाद ही आप लोग खाइए, क्योंकि उसमें 2 दिन लगते हैं, तो आपको ये प्रोसेस 2 दिन पहले से ही करना होगा अगर आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना ब्रेकफास्ट चेंज करते हैं तो। उसके बाद में अंकुरित चने के बाद में आप बॉइल्ड एग खा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनसे आपको क्विक एनर्जी मिलती है। आपका जब जी मितलाता है या उल्टी आती है वो होता है कि आप भूखे रहते हो। जब हम भूखे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा कि हमें उल्टी आएगी। उसके बाद में आप लोग थोड़ा बहुत सैलेड खा सकते हो, उसमें आप फ्रूट्स भी ले सकते हो, वेजिटेबल्स भी ले सकते हो, जो भी आपको खाने का मन है आप अल्टरनेट ऑप्शंस में ले सकते हो। तो ये आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक खा सकते हो। और चीज़, अगर आप लोग कच्चा अंडा या हाफ फ्राई ले रहे हैं बॉइल्ड एग की जगह, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये सारी चीज़ें आप लोग अल्टरनेट डेज पर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्विक एनर्जी के लिए फटाफट से ये वाली चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की यूजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर और अपना और अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए। सो बाय बाय गाइज़।